घरों में भी जवानों का दुरुपयोग होता है। अब इनसे बातचीत सुनना। कौन सा कुत्ता बोलते हैं इसको? मेरे को मालूम नहीं सर। नहीं, है तो बहुत अच्छा, तेज है। कौन सा है, किन किन का है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हमारे एक जवान ने मेरे पास एक वीडियो भेजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और मैं इस वीडियो के जरिए संदेश भी देना चाहता हूं कि ऐसे वीडियो की जरूरत हमें अभी पड़ेगी, क्योंकि हमने कोर्ट में जो केस डाला है साइट प्रथा का, उसको हाईलाइट करने के लिए ऐसे वीडियो हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। और जो ये कुत्ता है बीएसएफ के किसी अधिकारी का है, जिसको बीएसएफ के एक भर्ती हुए कांस्टेबल घुमा रहे हैं। मतलब वो कांस्टेबल जो देश की ड्यूटी के लिए भर्ती हुआ, जो देश के खजाने से वेतन लेता है, जो आपके हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से वेतन लेता है, वो देश की ड्यूटी ना करके एक अधिकारी के घर नौकर की तरह काम करता है, उसके कुत्ते घुमाता है। दुर्भाग्य ये कि देश की फोर्सेज में ऐसे लाखों जवान हैं जो देश की ड्यूटी के लिए भर्ती होते हैं, लेकिन वो देश की ड्यूटी ना करके अधिकारियों के घरों में बर्तन धोने, उनके कपड़े धोने, उनके घर खाना बनाने, नौकर की तरह काम करने, कुत्ते। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। ये वीडियो में आप जो देख रहे हैं कि हमारा एक जवान जो कि किसी अधिकारी के कुत्ते को घुमा रहा है, जिस जवान ने वीडियो बनाया है, ये जो मैंने दिखाया है अभी ये ट्रेलर था। इसका बचा हुआ लगभग 2.5 मिनट का वीडियो और है, जिसमें जवान ने इनसे पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम भी बताया है। पूछा है कि कुत्ता किसका है, तो किसी कमांडेंट महोदय का कुत्ता है, उसका नाम भी बताया कमांडेंट साहब का, और उनकी बटालियन भी बताई गई है। मैं इस वीडियो को आगे इसी वीडियो में अंत में ऐड कर दूंगा। मैं चाहता हूं इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह हमारा देश का जवान जो कि सेना में हमारी सुरक्षा के लिए भर्ती होता है, और वो इन अधिकारियों के कुत्ते ने घुमाए। सबसे पहले मैं इस वीडियो को दिखाने से पहले आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं, इस बात पर गौर करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी स्थिति को आप समझ सकें। मैं हमारे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि हमने बड़ी मुश्किल से लोगों को इकट्ठा करके और ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाला है सहायक प्रथा बंद करने का, जो कि 2020 में डाला था मैंने ये केस, और कोरोना की वजह से लेट होते होते अब उसकी हमें तारीख मिली हुई है। पहले मिली थी 2 अगस्त टेंटेटिव डेट, संभावित तारीख अब 9 अगस्त मिली हुई है, और इसी बीच में हम एक प्लानिंग कर रहे थे कि भाई 2 अगस्त को डेट मिली है तो हम 8 अगस्त को धरना करेंगे, क्योंकि इस केस को हमने जिस तरह से अपील की है इस केस में कि भाई ये बंद होना चाहिए, और हमने जो इसमें पार्टी बनाई है, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हमारे सेना अध्यक्ष, CDS जो कि तीनों सेनाओं के चीफ हैं, और पैरामिलिट्री के सभी DG, BSF, CRPF, ITBP जितने भी यहाँ सामराफल सभी के, क्योंकि ये सभी में ये सिस्टम विद्वान है। आपके भी बच्चे कल सेना में जा सकते हैं। आप चाहते हो कि आपका बच्चा वहाँ वर्दी पहनकर देश सेवा के बजाय इनके पुट पुलिस में लगा रहे। अगर चाहते हो इस क्रांति को सफल बनाना, तो सबसे पहले मैं आज में मेरा अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। अकाउंट नंबर क्यों दे रहा हूँ, हमें आर्थिक मदद क्यों चाहिए, उसकी भी डिटेल मैं आगे बताऊंगा। पहले अकाउंट नंबर लिखें। पहले ये मेरा फ़ोन नंबर है 8290-35-45-13। ये मेरा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी यही है। उसके ऊपर मेरा SBI का अकाउंट 612-642-33-600, ये रविंद्र सिंह के नाम से SBI अकाउंट है, ब्रांच भी इसमें दी हुई है, IFC कोड भी दिया हुआ है। अब अगर आप चाहते हो कि इस बुराई को ख़त्म किया जाए, तो बुराई को ख़त्म करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है आर्थिक पैसे की। और मैं भी आपको बता दूं कि मैं एक साधारण जवान हूं, आप ही की तरह, किसी टाटा बिरला की औलाद नहीं हूं कि मैं अपनी तरफ से लगाता रहूं या मेरे पास कोई कुर्सी है कि मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके सहयोग से ही हमने पहले भी ये केस किया है, जो भी छोटी मोटी आप लोगों ने मदद की है उसी के सहारे हम चल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लगता होगा कि पता नहीं कितना आता है, ये आता है, तो उस सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा। इसलिए वीडियो देखें। इसलिए हमारे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आपसे करता हूं कि जैसे ही ये हमारा 9 तारीख लगे और ये इनको नोटिस जाए, उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी इस केस को हाईलाइट करने की।
हमारे जवानों से कहना चाहता हूं, इस समय ध्यान रखें, एक एक क्रांति की तरह मैंने चिंगारी लगा दी है, अब आपके हाथ में है। क्योंकि ये लोग कोर्ट को भी गुमराह करेंगे, देश की जनता को भी गुमराह करेंगे, इसको बड्डी पता नहीं क्या क्या करके बताएंगे, दिखाएंगे कि भाई ये तो बहुत जरूरी है, फलाना है। आज किसी भी देश में, वो अंग्रेज पहले भी अपने जवान को नहीं रखते थे, सिर्फ भारतीय जवान को इस तरह की गुलामी के काम में लगाते थे, और आज भी इंग्लैंड, अमेरिका या किसी भी जो विकासशील देश है, किसी देश में इस तरह की कुप्रथा नहीं है, सिर्फ हमारे देश में। ताकि साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल से लोगों को जोड़ो, और इस तरह के वीडियो अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप का नाम न लेते हुए, और मैं चाहता हूँ कि जो जवान चाहे मजबूरी में कर रहा हो या कैसे कर रहा हो, उसका भी नाम और चेहरा नहीं दिखाएं तो अच्छी बात है। सिर्फ हमें इस तरह के वीडियो चाहिए ताकि हम कोर्ट को और जनता को दिखा सकें और इन लोगों को नंगा कर सकें। वीडियो में और सारी मैं सब सबसे बड़ा तो यह है कि लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि साहब बहुत लंबा हो गया। और कुछ बातें हैं, जिनके पास समय है वीडियो को पूरा देखें, नहीं समय है, नहीं कर सकते हो, तो आप शेयर जरूर कर देना, और इस समय इस ताकत को बढ़ा जरूर देना दोस्तों, वरना फिर कहोगे कि हाँ क्या हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो में आप जिस कुत्ते और इंसान को देख रहे हैं, ये वीडियो एक बीएसएफ कैंप दिल्ली का है, और जो ये कुत्ता है बीएसएफ के किसी अधिकारी का है, जिसको बीएसएफ के एक भर्ती हुए कांस्टेबल घुमा रहे हैं। मतलब वो कांस्टेबल जो देश की ड्यूटी के लिए भर्ती हुआ, जो देश के खजाने से वेतन लेता है, जो आपके हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से वेतन लेता है, वो देश की ड्यूटी ना करके एक अधिकारी के घर नौकर की तरह काम करता है, उसके कुत्ते घुमाता है। दुर्भाग्य ये कि देश की फोर्सेज में ऐसे लाखों जवान हैं जो देश की ड्यूटी के लिए भर्ती होते हैं, लेकिन वो देश की ड्यूटी ना करके अधिकारियों के घरों में बर्तन धोने, उनके कपड़े धोने, उनके घर खाना बनाने, नौकर की तरह काम करने, कुत्ते घुमाने में उनका दुरुपयोग किया जाता है। आप सोचो, जब ड्यूटी के लिए भर्ती जवान को आप नौकर की तरह प्रयोग करोगे, जो देश की सीमाओं पे ड्यूटी कौन करेगा, वहाँ पे नफरी की कमी होगी, वहाँ पे जो लोग ड्यूटी करते हैं उनको ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ेगी, और वो मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे, बीमार होंगे। तो आप सब लोग देखो, देश की फोर्सेज में ऐसे लाखों जवान हैं जिनका दुरुपयोग होता है, जो कुत्ते घुमाने का काम करते हैं, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त तो मोदी जी की सरकार है, फिर भी जवानों का दुरुपयोग हो रहा है। जो सीमाओं पर जवान खड़ा है, जो देश की सुरक्षा में जवान खड़ा है, उसको ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है, और ये लोग सिविल ड्रेस के अंदर मज़े लेते हैं, और देश के खजाने से करीब 60-70 हज़ार रुपए लेते हैं, और काम नहीं करते, काम करते हैं केवल एक अधिकारी का। वो अधिकारी देश का सबसे बड़ा गद्दार है, जो इन जवानों को अपने घर में नौकर की तरह काम करते हैं करवाता है, जो देश के खजाने से वेतन लेते हैं। ये वीडियो अगर मेरी अधिकारियों तक पहुँचे या किसी लोगों तक पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाओ, ताकि सरकार तक पहुँचे और आँख खुले। वैसे सरकार के अधिकारियों के घरों में भी जवानों का दुरुपयोग होता है। अब इनसे बातचीत सुन। कौन सा कुत्ता बोलते हैं इसको? मेरे को मालूम नहीं सर। नहीं है तो बहुत अच्छा, तेज है। कौन सा है, किन किन का है? ये सर सिद्दीकी साहब है। सिद्दीकी साहब है। सिद्दीकी कौन है? सिद्दीकी कौन है? सिद्दीकी साहब 25 बटल में। जाहिद सिद्दीकी साहब है। जाहिद सिद्दीकी साहब। तो कुत्ता बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं इसको? आप घुमा रहे हो इनको? आपका क्या नाम है? कोदमा। कोदमा नाम है तो कुत्ता इस टाइम घुमा रहे हो आप? सुसु करने के लिए। अच्छा, आप साहब के घर ही काम करते होगे? सिद्दीकी साहब 25 बटल में अभी। कुत्ता बहुत अच्छा है, आप दोपहरिया में घुमा रहे हो इसको यार? सुसु कर, सिपाही हो गए आप भी हैं? अच्छा, यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसा आपने देखा इस तरह हमारे हजारों जवान सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के देश सेवा के लिए भर्ती हुए जवान, इनके निजी सेवा इनके घरेलू कामों में लगे हुए हैं। कुत्ते घुमाना, बूट पॉलिश, इनकी मैम साहब को बाजार शॉपिंग कराना, इनकी मैम साहब और बच्चे के कच्चे बनियान तक धोना, इनके घरों में झाड़ू पोछा, रसोई में काम करना, यानी सारी की सारी निजी सेवा। यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है, उसका मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ कि बहुत से लोग जिनको नहीं पता है, वो कहते हैं कि भाई सेना में अलग अलग ऐसा ट्रेड होगा और ये काम तो करने ही होंगे, तो ऐसा हमारी सेना या पैरामिलिट्री फोर्स में कोई भी ट्रेड नहीं है जिसको कि इनके घर में जाकर इनकी पर्सनल सेवा करें, और इनके घर ही घर में नहीं है, ऐसे हरामखोर अफसर हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के पास भी भेज रखे हैं बंदे, सास ससुर के पास भी भेज रखे हैं, यहाँ तक कि सियोल में अगर इनके रिश्तेदारों की शादी हो तो
तो वहां भी बंदों को काम के लिए, वेटर के लिए और बर्तन साफ करने के लिए भेज देते हैं। यहां मैं वीडियो को बीच में रोककर एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। वो इंपॉर्टेंट बात पहले तो ये है कि हमारे बहुत से सिविलियन भाई या जो भी सिविल जनता है, बिजनेसमैन है या कुछ लोग और हैं जो कई बार बीच बीच में कमेंट्स कर देते हैं कि भाई सेना में गए हो तो आपको ये काम करना ही होगा, ये तो आपको पहले से ही पता था ऐसा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी आए हैं तो ही क्यों बात उठा रहे हो, कुछ लोग कहते हैं कि सेना में रहकर क्यों नहीं उठाए हो। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, बहुत लोग कहते हैं कि अलग अलग ट्रेड होता है, अलग अलग इस तरह का काम सबको करना पड़ता है, अपना अपना काम सब करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, किसी भी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स के किसी भी आर्डर में या भर्ती में ऐसा कोई भी डिटेलमेंट नहीं है कि कोई जवान इनके घर पर काम करेगा। ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है। जो भी ट्रेड बने हुए हैं, चाहे वो कुक के हों, सफाई कर्मी के हों या और ट्रेड हैं, वो ओआरएस और अफसर के लिए जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड सरकारी है, जैसे सरकारी अपना मैस है वहाँ खाना बनाने के लिए होता है, चाहे अफसर मैस हो, चाहे जवानों का मैस हो, चाहे जैसे मैस हो, उसी तरह सफाई कर्मचारी भी ओआरएस की, चाहे वो लाइन हो, मैस हो, सरकारी चीज़ों के लिए हुई है। लेकिन ऐसा कोई भी ट्रेड या ऐसी कोई भी आर्मी ऑर्डर नहीं है जिसमें कहा गया हो कि इनके क्वार्टर पर जाकर, इनके पर्सनल घर पर जाकर ये काम करें। और यहाँ तक कि इस रूल को तोड़ते हुए पर्सनल अपनी बीवी के पास ही नहीं, अपने सास ससुर, माता पिता और बहुत सी जगह इन्होंने नौकर की तरह जवानों को यूज किया हुआ है। तो इसलिए देश की जनता अपना माइंड यूज करें, कमेंट्स लिखने से पहले आपके आसपास अगर कोई फौजी है तो उन जवानों से बात करें कि हाँ क्या वास्तव में देश की सेना में ऐसा हो रहा है, और फिर ही इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन करें। दूसरी बात, हम यहाँ